给绝烧死的。然后读了杰西马苏啊，当读了杰达斯的马达尼卡，पर ये मांगी का ये नौला का हार और दुल्हन का जोड़ा, कहीं रोनी और सिद्धांत पुनर्विवाह तो नहीं कर रहे? जो रोली का कैरेक्टर है और या फिर सिद्धांत का कैरेक्टर है, उनके लिए एक्चुअली ऑफिशियली पहली शादी होने जा रही है। क्या बात है सिद्धांत बाबू, तभी तो आप दूल्हे की शेरवानी पहनकर एकदम ढिंचक दूल्हा बन गए और अपने हाथों से दुल्हनिया को तैयार कर रहे बिल्कुल फिल्मी अंदाज में। एक बात बताइए, आप दोनों की शादी तो पहले ही हो चुकी थी, आपने घर वालों के सामने रोली की मांग में सिंदूर भरा, फिर उस शादी का क्या? क्या वो जरूरी थी? जो इनकी पहली शादी हुई थी, जो आपस में शादी हुई थी, वो एक कॉम्प्रोमाइज था। अब सिद्धांत ने अपने भाई के लिए कॉम्प्रोमाइज किया, इसने अपने बहन के लिए सैक्रिफाइस किया, पिछले एक साल से सिर्फ एक दोस्ती थी दोनों के बीच, और आज पहली बार दोनों की शादी होने जा रही है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, और वैसे भी आज आप दोनों की शादी की सालगिरह है, अब शादी की पहली सालगिरह पर इतना बम्पर सरप्राइज मिल जाए तो क्या कहें। इसलिए तो रोनी मानो सपनों की दुनिया में खोसी गई है। इससे तो लगता है कि उसकी जो लाइफ है बिल्कुल एक फेरी टेल है, वो एकदम ड्रीम वर्ल्ड में रहती है। और जैसे कि पिछले दो वीक्स में मैंने कम से कम 3 से 4 सरप्राइज दे दिए हैं सिद्धांत को, लाइक कैंडल्स के साथ डांस वांस करके, तो यू नो सरप्राइज हो रहा है और फेरी टेल जैसे मैंने कहा रोली के लिए है सब कुछ। सिद्धांत और रोली के ऐसे दूल्हा दुल्हन बनने का सस्पेंस तो खुल गया, मगर क्या आपको पता है दोनों की शादी का ये आइडिया किसका है? नहीं तो हम बताते हैं, सिमर के ससुराल वालों ने मिलकर रोली और सिद्धांत के पुनर्विवाह का प्लान बनाया है। ये इनकी सालगिरह पर घर वालों की तरफ से तोहफा है, मगर ये शादी हो पाएगी या नहीं ये फिलहाल सस्पेंस है, क्योंकि रियल लाइफ में रोली के बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अब ऐसे में रोली एग्जाम तो छोड़ेगी नहीं, जाहिर सीरियल में रोली के ट्रैक को तब तक थोड़ा कम करने के लिए कोई ना कोई ट्विस्ट तो लाना ही पड़ेगा। अब जरा दिमाग के घोड़ी दौड़ाइए और अंदाजा लगाइए कि मंडप में क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि रोरी तो एग्जाम्स की तैयारी में बिजी है। यस, मेरी एग्जाम्स आ रही है, आई मीन 10th स्टैंडर्ड, और हाँ ऑफ कोर्स थोड़ा डर लग रहा है। सो हाँ, ये मेरी हेल्प कर रहे हैं, ये मेरे SST टीचर है, सोशल स्टडीज मुझे पढ़ा रहे हैं, ये स्पेशली सिविक्स और इकोनॉमिक्स। तो ये रही मेरी सिविक्स की बुक जिसमें मुझे कम आंसर्स और इन्हें ज्यादा आंसर्स आते हैं। ये गलत है, ऐसे भी इतने आंसर्स पता है जितना मुझे पता है।